हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक अभी पे। आज की वीडियो में हम लोग MI 11T प्रो के फीचर्स और डिटेल्स को जानेंगे ताकि आपको जब ये मोबाइल लॉन्च करे तो आपको खरीदने में आसानी हो। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करिएगा। सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले की जानें तो डिस्प्ले जो है इसका बहुत अच्छा है मेरे अनुसार से। इसका जो डिस्प्ले साइज है वो 6.67 इंच है जो कि एमोलेड है, 1080x2400 पिक्सल और 395 PPI। और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ज होगा और गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन में, तो यानी स्क्रीन मजबूत है। उसके बाद ये बेजल होज बेजल लेस विथ पंच होल डिस्प्ले, यानी जो आपका सेल्फी कैमरे के लिए जो होता है एक होल दिया जाएगा। वहीं इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। स्नैपड्रैगन 888 ऑक्टा कोर यानी 2.84 GHz कॉमा सिंगल कोर प्लस 2.42 GHz ट्राई कोर और प्लस 1.8 GHz क्वाड कोर अवेलेबल है। और इसमें जो रैम होगा वो 8 GB रैम होगा, यानी रैम के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा फ़ोन है और गेमिंग के लिए तो बेटर फ़ोन है। गेमिंग के लिए इससे अच्छा फ़ोन हो ही नहीं सकता। वहीं इसकी कैमरे की बात करें तो कैमरा क्वालिटी जो है सो बेस्ट है। रेयर कैमरा जो है सो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, यानी तीन कैमरा सेटअप होगा जिसमें 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का एक कैमरा होगा और डुअल कलर LED फ्लैश लाइट के साथ। और ये जो रिकॉर्डिंग करेगा 8K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, यानी बेस्ट रिकॉर्डिंग करने के लिए फ़ोन सही रहेगा। हम जैसे यूट्यूबर्स को रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कैमरा जो लगाते हैं उससे अच्छा रिकॉर्ड ये करके देगा आपको। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा भी 16 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस फुल्ली HD वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, वो भी 30 FPS के रिकॉर्डिंग पे। यदि बैटरी के मामले में मुझे बोला जाए कि इसे कितने मार्क्स दिए जाए तो मैं 5 में से 5 मार्क्स दूंगा। क्यों? तो ये 5000 mAh की बैटरी है जो कि 120 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। और USB जो इसका है वो टैप सी पोर्ट है। USB क्या है तो टैप सी पोर्ट, यानी ये मोबाइल तेज़ी से चार्ज होगा और यूज करने में भी बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। इसकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये नैनो सिम 1, नैनो सिम 2, नैनो और 128 GB इंटरनल स्टोरेज और नॉन एक्सपेंडेबल है। और साथ ही साथ ये डस्ट असिस्टेंट और वाटर असिस्टेंट है, यानी देखिए हर एक मोबाइल में तो नैनो सिम लगता ही है, और लेकिन सबसे बड़ी बात में आज ये है कि डस्ट असिस्टेंट और वाटर असिस्टेंट दोनों है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।